कुदरत कुदरत पे कुदरती है पे, क्योंकि हम जंगल में खड़े तो हाथ देते तो लोग डर जाती है। उसने बोला मैग्नेटिक मैग्नेटिक, तो मैं रुका। स्पीड है यार, ये नहीं नॉर्मल। दिस इज द ब्यूटी ऑफ रन ऑफ कच्छ। मेरे दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, ना कोई सेटलमेंट है ना कुछ है, मतलब इतना वीराना है। दिस इज अ पार्ट ऑफ थार डेजर्ट, एक्चुअली गुजरात तक थार डेजर्ट आता है। थार डेजर्ट के अलग अलग लेवल होते हैं, वाइट डेजर्ट है जो कच्छ है, फिर उसके बाद ये पूरा बैरन है, आप देख सकते हो पूरा, मतलब कोई भी नहीं है यहाँ पर, सिर्फ ये गाड़ी खड़ी है मेरी। ये जो रास्ता है ये खाड़वा की तरफ जा रहा है, जो छोटा सा टाउन है, मतलब दूर दूर तक अभी तक कोई गाड़ी नहीं आई है। 10 मिनट हो चुके हैं कोई गाड़ी नहीं आई है। 10 मिनट पहले एक ट्रक निकला था, वो भी पेट्रोल लेके निकल रहा था। जस्ट लुक, आपने ले के मैग्नेटिक हिल के बारे में तो सुना होगा, लेकिन गुजरात में भी एक मैग्नेटिक हिल है और वो है ये। यहाँ पे काफी लोग आ रखे हैं, वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हुई है, दे आर जस्ट ट्राइंग, दे आर जस्ट एक्सपीरियंसिंग द मैग्नेटिक पावर, जो भी आप उसे कह सकते हो। जब आप काला डूंगर जाते हो तब बीच में आपको पड़ता है, कोई बोर्ड नहीं है, एक बंदा वहाँ पे खड़ा हुआ था, मेरे को खुद नहीं पता लगता, उसने बोला मैग्नेटिक मैग्नेटिक, तो मैं रुका, और 2-3 गाड़ियाँ भी रुकी हुई थी, तो मेरे को पता लगा कि अच्छा ये मैग्नेटिक हिल ही है। पीपल आर जस्ट ट्राइंग कि कैसे ये मैग्नेटिक हिल मतलब कैसा होता है, लेट मी जस्ट ट्राई हाउ इज इट। मेरी गाड़ी अभी न्यूट्रल पे है और मैं बस चल रहा हूँ, और ये धीरे धीरे चल रही है गाड़ी। एक्चुअली मैं ढलान पे नहीं हूँ, ये चढ़ाई आप देख सकते हो, आगे चढ़ाई है और ये अपने आप चढ़ रही है चढ़ाई पर, ये देखो जरा। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, स्पीड मेरी है 20। गाड़ी मेरे को वापस लेनी पड़ेगी। कुदरत कुदरती है पे, पहले तो हमको भी पता नहीं था, जब वो वैज्ञानिक शोध जो उन्होंने निकाला तब हमको पता चला, पहले तो हमको भी पता नहीं था क्या है नहीं, क्योंकि दोनों साइड में बोर्ड नहीं है, लोग को पता नहीं चलता है, क्योंकि हम जंगल में खड़े तो हाथ देते तो लोग डर जाती है, तो क्यों रास्ते में हाथ देते है, तो इसके लिए गाड़ी नहीं रुकाती है। हाँ, जब खड़ी होती है गाड़ी, कांच नीचे करते तब उनको हम बताती है कि यहाँ चीज ये चीज है। हाँ, तो और करते है लोग। अच्छा, और यहाँ पे कोई बोर्ड भी नहीं लगा हुआ जी बहन? बोर्ड तो है दोनों साइड में, लेकिन टूट गए। अच्छा, बोर्ड तो है टूट गए दोनों साइड, पता लग जाए ना क्या है। हाँ, अगर जो बोर्ड होते तो लोग को पता चलती है, वो गाड़ी अपने आप खड़ी कर देती है, ऐसे तो खड़ी नहीं करती। आपको लगाना है सर पगड़ी? हाँ लगाओ लगाओ। हाँ आपको लगाता हूँ मैं, देखो कैसे मैं मारता हूँ। बहन जी ये देखना थोड़ा, ये कच्छ की पगड़ी है, ठीक है, हम 20 रुपए लेते हैं एक पगड़ी का। हाँ। हम लोग को बांधते हैं, ये यूट्यूब पे फेंक देना। कैसा लग रहा हूँ मैं? यूट्यूब पे फेंक देगा। तो भैया बता रहे थे कि यहाँ पे बोर्ड एक्चुअली टूट गया है, वरना यहाँ पे बोर्ड होता है मैग्नेटिक हिल का, बट टूट गया है, तो इसलिए भैया हाथ देते हैं बताने के लिए कि मैग्नेटिक हिल है। अभी आपने देखा मेरी गाड़ी कैसे पीछे गई थी न्यूट्रल में करके, और ये एक्चुअली में यहाँ पे चढ़ाई है, तो ये इस साइड जा रही थी, न्यूट्रल पे थी और ऊपर चढ़ रही थी, तो मैग्नेटिक हिल इसलिए है। इनका भी थोड़ा गुजारा हो जाता है, ये मैंने पगड़ी बांधी है गुजराती, इसको क्या बोलते हैं भैया? हम पगड़ी बोलते हैं। पगड़ी बोलते हैं? हाँ हम भी पगड़ी बोलते हैं। हाँ ये पगड़ी गुजराती में भी इसको पगड़ी बोलते हैं, तो मैंने बांधी है। तो ये था मैग्नेटिक हिल गुजरात में, अपना मैग्नेटिक हिल एक लेह लद्दाख में है जो ज़्यादा फेमस है, इसको भी फेमस करना है मैग्नेटिक हिल गुजरात में काला डूंगर जाते समय। कि यहाँ पे ही क्यों होता है? क्या ऐसे बस इतने एरिया में ही क्यों है? ये तो आज तक किसी को पता भी नहीं लगा। एक बार यहाँ पे रोकना देखना, यहाँ होती है यहाँ।
न्यूट्रल कर गए। अभी भी पीछे जा रही है देखो, और आगे करो। पीछे जा रही है अभी भी, ठीक है और आगे करना। ये कहाँ तक है? आई थिंक ये पूरा होगा। हाँ पूरा तो होगा। ये कितनी स्पीड है यार, ये नहीं नॉर्मल। और आगे चलो, और आगे नहीं, अब आगे चलते हैं काला डूंगर की तरफ। हाँ बट जस्ट स्टॉप देयर, अब वापस आते समय कर लेंगे ना। आई जस्ट वांट टू सी कि यहाँ से भी पीछे जा रहा है कि नहीं। यहाँ से? हाँ एक मिनट, उस उतना पार्ट में ऐसा क्या है? जा रहे हैं यहाँ से। आई थिंक ये पूरी रोड ऐसी है, हम सिर्फ वो एक और ये एलिवेशन है पीछे की तरफ। ऐसा नहीं है कि मैं ढलान पर हूँ, न्यूट्रल पे गाड़ी है और पीछे की तरफ जा रही है। And it's actually speeding. हाँ, और मुझे बार बार ब्रेक मारना पड़ रहा है, मतलब करीब 30 के ऊपर तो जा ही रही है। दिस वॉज फन एक्चुअली। एक और मेरे को मैग्नेटिक हिल मिल गया, एक लद्दाख का काफी फेमस है और ये गुजरात का भी फेमस करना है। तो प्लीज लाइक ठोको एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। चले अंचल? यस। चलो चलो ओके, एक बार यहाँ पे भी रोकना देखना। कोई बात नहीं, हम तो अच्छे। इट्स मूविंग टू फास्ट, दोबारा ट्राई करेंगे और क्या बेहतरी काम हम पे। अरे नहीं अंचल, तो मैं आ गया हूँ काला डूंगर पे, जिसको ब्लैक हिल्स भी कहा जाता है। अब मुझे पता नहीं क्यों कहा जाता है, मुझे देखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर विंटर्स के टाइम पे, मतलब जनवरी में भी इतना क्लाउडी हो रखा है। आप देख सकते हो आगे, ये पूरा क्लाउड्स हो रखे हैं। ये छोटा सा सन ऊपर, पता नहीं लग रहा, पूरा क्लाउडी हो रखा है। एंड यहाँ पे मुझे जाना है, अभी मैं मैगी खा रहा हूँ। सो दिस इज़ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ कच्छ। यहाँ से वाइट डेजर्ट दिखता है, बट आई एम नॉट श्योर इतना क्लाउडी की वजह से वाइट डेजर्ट दिखेगा कि नहीं दिखेगा। बट वी नीड टू एक्सप्लोर, तो वी विल एक्सप्लोर। मतलब हिमाचल की फील आ गई मेरे को यहाँ पर। फर्स्ट टाइम हिमाचल में ऐसा हुआ था कि मैं क्लाउड्स के बीच में था और यहाँ पे भी क्लाउड्स आ रहे हैं। अगर आप देख सकते हो वहाँ पर, क्लाउड्स नीचे की तरफ आ रहे हैं। लेट्स एक्सप्लोर काला डूंगर। और अगर मैंने कुछ नाम गलत बोल दिया हो पहले, काला पत्थर या काला कुछ भी बोल दिया हो, तो प्लीज़ बुरा मत मानना, क्योंकि मैं इतना, मेरी एक्साइटमेंट लेवल इतनी बड़ी हुई है। एक्चुअली मैं सांड की वजह से डर रहा हूँ। ये सांड था, मतलब सांड है, सांड गाय है, सांड पता नहीं। नहीं भैया, पगड़ी बांधी भी है। तो वो है हाईएस्ट पॉइंट रन ऑफ कच्छ का। बट आप देख सकते हो बादल है, कुछ दिखाई नहीं देगा वहाँ पर। यहाँ पे पूरा बादल है, जैसे मैंने बताया दिस इज अराउंड 458 मीटर्स अबव रन। एंड यहाँ से पूरा वाइट रन दिखता है ऑन अ क्लियर डे। एंड बाय गॉड, जनवरी में तो क्लियर डे होता ही है, लेकिन मॉनसून की फील आ रही है। मतलब जब से मैं निकला हूँ ना दिल्ली से, ऐसा लग रहा है कि मैं मॉनसून ड्राइव पर हूँ। पूरे रास्ते बारिश हो रही थी, फिर यहाँ पे भी बारिश हुई। कल थोड़ा लकी था कि रन ऑफ कच्छ पे, वाइट रन पे सनसेट अच्छा हुआ, लेकिन आज तो मुझे नहीं लगता कि कोई सनसेट होने वाला अच्छा। वो व्यू पॉइंट है एंड वी कैन नॉट सी एनीथिंग। ये सीढ़ियाँ जाना है। हाय बच्चे, हम वहाँ पे गए थे, कुछ दिखा नहीं हमें काला डूंगर से वाइट रन ऑफ कच्छ। सो सीन फ्लॉप हुआ यहाँ का, बट ड्राइव हिट हुई यहाँ तक की मैग्नेटिक हिल के साथ। गुजरात आए और गांधी जी की शक्ल ना दिखे, ऐसा हो नहीं सकता। तो दिस इज गांधी जी फॉर यू। अभी मैं इंडिया ब्रिज पे हूँ। वैसे यहाँ पे वीडियो फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ अपना ही चेहरा आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ से इस पॉइंट के बाद आपको परमिशन लेनी पड़ती है आगे बॉर्डर तक जाने के लिए। तो वो परमिशन तो हमने ली नहीं है, क्योंकि हमें जाना नहीं था।
तो इंडिया ब्रिज है पूरा, मतलब बहुत ही वास्ट है। यहाँ पर मैं आपको थोड़े आगे का पार्ट दिखाऊंगा। इस ब्रिज पे फोटोग्राफी नहीं कर सकते हैं और वीडियोग्राफी नहीं कर सकते, इसलिए मैं अपनी शक्ल दिखा रहा हूँ, अपनी गाड़ी की शक्ल दिखा रहा हूँ, नॉट द लैंडस्केप। बट थोड़े से आगे जाओगे तो आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ का लैंडस्केप कैसा है। मैं आपको अभी दिखाता हूँ। आज का दिन काफ़ी सही गया है, थक गए हैं थोड़ा। वीलॉग यहीं ख़त्म होता है। अब पार्ट 3 वीलॉग आएगा मेरा बैक टू दिल्ली वाया धौलावीरा, और मैं वो रोड के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। वो नई रोड है बिल्कुल बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मेरे ख्याल से NH 341 उसको कहा जाएगा आगे जाके, क्योंकि 341 यहां तक तो है, यहां से और कनेक्ट होगा धौलावीरा। तो जहाँ 5.5-6 घंटे लगते थे यहाँ से धौलावीरा जाने तक, वो अब सिर्फ 2.5 से 3 घंटे लगेंगे, मेरे ख्याल से 1.5 घंटे लगेंगे। अभी रोड वो प्रॉपर बनी नहीं है, तो गूगल मैप के हिसाब से वो 3 घंटे दिखा रहा है। एंड वो रोड को मेरे को एक्सप्लोर ज़रूर करना है, क्योंकि मैंने सुना है कि बहुत थ्रिलिंग एक्सपीरियंस है। दोनों साइड वाटर है, तो ऐसा लगता है आप सी के ऊपर चल रहे हो। तो आई विल श्योरली टेक यू देयर टुमारो और इन माई पार्ट 3 वीलॉग, जो भी आप कहना चाहो, क्योंकि कल तो मैं निकल रहा हूँ। तो टुमारो टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड कीप ट्रैवलिंग एंड कीप वॉचिंग डेस्टिनी वर्ल्ड। और अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लो अभी।